दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक चाइल्ड हॉस्पिटल में शनिवार 25 मई देर रात आग लगी। हादसे में 6 नवजात की मौत हो गई, 5 का रेस्क्यू किया गया। 3 मंजिला बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर था, इसमें कुल 12 बच्चे थे। दिल्ली फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग ने बताया कि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। हालांकि शुरुआती जांच में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। बेबी केयर सेंटर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का काम चल रहा था। दम घुटने से बच्चों की मौत हुई। अधिकारी ने बताया कि उन्हें रात 11:30 बजे आग लगने की सूचना मिली। मौके पर दमकल की कुल 16 गाड़ियां पहुंची, इनमें से एक बच्चे की मौत आग लगने से पहले ही हो चुकी थी। आग की लपटें बिल्डिंग के 3 फ्लोर पर फैली। बेबी केयर सेंटर में धुआं भरने के कारण यहां भर्ती 11 बच्चों की हालत गंभीर हो गई है। दमकल की टीम और स्थानीय लोगों ने लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़कर खिड़की से अन्य 11 बच्चों को बाहर निकाला। हालांकि तब तक धुएं से दम घुटने से 6 बच्चों की मौत हो गई। रेस्क्यू किए गए 5 बच्चों को एडवांस NICU अस्पताल में शिफ्ट किया गया। चाइल्ड हॉस्पिटल में लगी आग पास के एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग तक फैल गई। यहां से 11-12 लोगों को बचाया गया। फायर सर्विस ने करीब 1.5 घंटे मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान धमाके की आवाज़ हुई। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस के मुताबिक बेबी केयर सेंटर के पास किसी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन गैस की रिफिलिंग की जा रही थी, उस दौरान धमाके की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद पूरी बिल्डिंग में आग की लपटें फैल गई। दिल्ली पुलिस ने न्यूबॉर्न बेबी केयर अस्पताल के मालिक नवीन कीची के खिलाफ IPC की धारा 336, दूसरों की निजी सुरक्षा को खतरे में डालना, 304A लापरवाही से मौत और 34 आपराधिक गतिविधि के तहत FIR दर्ज की है। वो पश्चिम बिहार का रहने वाला है। घटना के बाद से वो फरार है।